तुम्बाड़ मूवी रिलीज हो चुकी है थिएटर्स के अंदर और अभी मैं जस्ट देख के आया हूँ थिएटर्स में से, अभी निकला हूँ और यहाँ भी बारिश हो रही है। पूरी मूवी में ऐसी बरसात की जो सीन है वो मतलब एक जादुई एक्सपीरियंस, और बाहर निकल गई बारिश, मुझे लगा मैं तुम्बाड़ के एक सेट पे हूँ। और क्या कमाल का एक्सपीरियंस है, चलिए बताता हूँ कि ये OTT में देखने, मतलब TV में देखने से और थिएटर्स में देखने से क्या डिफरेंस है इन दोनों में। अगर आप OTT पे देखते हो इस मूवी को या फिर थिएटर में, तो क्या अलग एक्सपीरियंस होता है। छः साल लगे इस मूवी को बनाने में, और इस 6 साल में आप सोच सकते हो कितनी डिटेलिंग्स पे काम की गई होगी। डिटेल एक एक पकड़ पकड़ के और गौर करके इसे बनाया गया है। और जैसे मैंने बताया कि पहले मैं देख चुका था इस मूवी को, OTT पे देखा था, TV पे, तो जो एक्सपीरियंस था वो तो ठीक था, बट जो डिटेलिंग्स है वो थिएटर्स के अंदर आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आपका ध्यान कहीं और ना भटके। अगर आप TV पे देख रहे हो तो आपका इधर उधर ध्यान थोड़ा बहुत चला जाता है, भटक जाता है, तो आप वो माहौल एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो जो आप थिएटर्स में करते हो। आपको उसमें घुसना पड़ता है उस मूवी के अंदर, और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था OTT से। अगर आप इस मूवी को थिएटर्स में देख रहे हो तो मतलब एक जादुई एक्सपीरियंस। जो सीन जो दिखाया गया है, जो बरसात है, वो अगस्त और सितंबर के महीने में ही शूट की गई, इसी वजह से डिले हुई थी इस मूवी को बनाने में। और वो बरसात एकदम रियल फील होती है, जो बादल है, जो भी कुछ है वहाँ पे, एक एक डिटेल्स। नायक का जो रोल है, जो इसके प्रोड्यूसर भी रहे हैं सोहम शाह, उनकी जो मतलब एक्टिंग स्किल्स है इस मूवी के अंदर दिखाई दी है पूरी क्लियर। मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा एक्सपीरियंस। हस्तर का जो इफेक्ट था वो आपको लगेगा, मतलब आपको डराएगा बहुत ज़्यादा। मतलब हॉरर में तो उतना कुछ खास नहीं है, बट जो भी कुछ थ्रिल जो पैदा करती है ये मूवी, वो एकदम कमाल की है। इसे मतलब बिजनेस हुआ नहीं था इस मूवी का जब पहले ये रिलीज़ हुई थी, बहुत ही कम जो थिएटर्स में लोग इसे जा रहे थे देखने, बहुत कम इसे स्क्रीन भी दिया गया था, इस वजह से ये मूवी चली नहीं थी, कमा नहीं पाई थी उतना। बट इस बार ऐसा नहीं है, लोगों के पास ये मूवी पहुंच चुकी है, लोग जानते हैं इस मूवी के बारे में, और इस बार ये बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, और इस मूवी के साथ न्याय हुआ है। एट लास्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बेकार मूवीज़ होती है जैसे वरुण धवन की कूली नंबर वन और ये सब फालतू मूवीज़, उसे ज़्यादा स्क्रीन दिया जाता है बजाय इस जैसी कमाल की मूवी जैसे तुम्बाड़ हो गई, ब्रह्मयुगम हो गई। तो इस जैसी मूवी को अगर स्क्रीन ज़्यादा मिले और लोगों तक पहुँचे ये मूवी, तो एक कमाल का एक्सपीरियंस होगा जो मूवी लवर्स हैं उनके लिए। और ये मूवी वैसे ही खरी उतरती है, पहले भी थी बट लोगों तक पहुंची नहीं थी, OTT के ज़रिए पहुंची, बट अभी थिएटर्स में लगी है तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। अगर आपने OTT पे भी देखा है तो एक बार आप इसे ट्राई कर सकते हो थिएटर्स के अंदर।